सेलुलर जेल में एक स्मृति का वीर सावरकर के नाम पर लगाई थी, तो उसके बाद आने वाली कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने उसे वहां से हटा करके इस राष्ट्रनायक को अपमानित करने का काम किया था। अनेक ऐसे अवसर आए, लेकिन वीर सावरकर की जब मैं चर्चा करता हूं, यह देश जब वीर सावरकर को जानता है तो 20वीं सदी का एक ऐसा महानायक, दुनिया में उनके समकक्ष कोई उस सदी में नहीं पैदा हुआ था। उनसे बड़ा क्रांतिकारी, उनसे बड़ा लेखक, उनसे बड़ा कवि, उनसे बड़ा दार्शनिक, यानी सभी प्रकार के उन गुणों से ओतप्रोत, जिसे आप एक असामान्य स्थिति कह सकते हैं, सामान्य व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के गुण नहीं हो सकते। एक ही जन्म में दो दो आजीवन कारावास की सजा, सेलर जेल में वे स्वयं बंद हैं, उनका भाई भी बंद है, लेकिन कई वर्षों तक उन्हें पता नहीं लगा कि मेरा भाई भी यहां बंद है। लेखनी कैसे होनी चाहिए सेलर जेल की उस कोठरी छोटी सी कोठरी में, उनके पास कागज नहीं, उनके पास कलम नहीं, दीवालों में नाखून से लिख करके, बर्तन से लिख करके, कहीं से कोई ऐसा यंत्र मिले जिसको उस दीवालों पर पहले लिख करके फिर उसे मिटा करके उसे कंटस्थ करना, फिर मिटाना, फिर दूसरी, फिर लेखनी अपनी शुरू कर देना। ऐसी अनेक कृतियों का सृजन उन्होंने उस कोठरी के पास किया। और मुझे सेलर जेल में जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ था, जब मैं एक बार देखने के लिए गया था पोर्ट विलियर में, तो छोटी सी कोठरी के पास, तो मैंने वहां पूछा लोगों से, मैंने कहा आखिर वीर सावरकर को इस कोठरी में क्यों रखा गया था, कहा इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर उनसे सबसे अधिक भयभीत होते थे, और कोठरी ऐसे ऐसे स्थान पर थी जहां ठीक सामने फांसी दी जाती थी, क्योंकि वहां पर नियमित क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी और उनके चिल्लाने की आवाज उनके कानों में नियमित गूंजती रहे, इसलिए उन्हें उस कोठरी में रखा गया था। आजादी के बाद जो सम्मान वीर सावरकर को मिलना चाहिए था नहीं मिला, यहां तक कि इस देश को आजाद कराने के लिए वीर सावरकर ने कि जो पैतृक संपत्ति जब्त की गई थी, याद करिए कि 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन 1960 तक भी वो संपत्ति उन्हें वापस नहीं प्राप्त हो पाई थी। और जब उनसे पूछा गया कि अब तो भारत आजाद हो गया है, आपकी लड़ाई तो भारत को आजाद कराने की थी, आपके पैतृक संपत्ति आपको वापस नहीं मिल पाई, उन्होंने कहा मेरी लड़ाई अपनी पैतृक संपत्ति को लेने की नहीं थी, मेरी लड़ाई भारत की स्वाधीनता को लेकर के थी, और भारत, तीन चौथाई भारत हम लोग वापस ले चुके हैं, और अभी हमारी लड़ाई एक चौथाई भारत की और है। भाइयों बहनों, बहुत सारे ऐसी बातें जो आज हम सामान्य बात व्यवहार में चर्चा करते हैं, ये हिंदुत्व जो शब्द आया है ना, ये भी वीर सावरकर ने दिया है। हिंदी व्याकरण के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो वीर सावरकर की देन है,
हिंदू की परिभाषा क्या हो सकती है? एक बिना किसी विवाद की एक ऐसी परिभाषा, आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भू सेवा सवे हिंदू रीति से। इस परिभाषा को भी अगर किसी एक युग दृष्टा राष्ट्र ऋषि ने इस भारत को दी और सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को दी कि आपकी वास्तविक पहचान क्या है और कैसे आपको हिंदू कहा जाएगा, यह भी वीर सावरकर की देन है। लेकिन दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप उस समय की सत्ता के लिए संघर्षरत बहुत सारे ऐसे दलों ने